टू फैमिली, आई होप आप ठीक होंगे, आपके दोस्त मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ चने की दाल ढाबा स्टाइल में। तो इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, आधा किलो चने की दाल मैंने ली है, 3 टमाटर काट के मैंने रख लिए, 2 प्याज बारीक काट के रखे हैं, 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्ची और कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच नमक हसबे ज़रूरत, आधा चम्मच हल्दी, लौंग, काली मिर्ची। तो बनाना शुरू करते हैं। लिए मैंने ये आधा घंटा पहले मैंने चने की दाल को भिगो के रखा था, अब इसको मैं बॉईल करूंगी। इसमें नमक ऐड करूंगी थोड़ा, आधा चम्मच निकल जाए फिर मिलती हूँ आपसे। 1.5 चम्मच मैंने ऑयल लिया हुआ है और ये 1 कटोरी प्याज। प्याज को थोड़ा गोल्डन ब्राउन करूंगी मैं, अभी इसी के साथ लौंग, लौंग भी शामिल करूंगी। एक हरी मिर्ची काटेंगे। प्याज ब्राउन हो जाए फिर मिलती हूँ आपसे। प्याज ब्राउन हो गए, अभी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। सारे मसाले ऐड करूंगी, सारे ऐड करके मैं डालूंगी टमाटर। अभी टमाटर और मसाले सारे मैंने ऐड कर दिए, अभी इसको थोड़ी देर पकाएंगे फिर मिलती हूँ आपसे। मसाला हमारा बन गया, फिर इसमें मैं दाल ऐड कर देंगे। चने की दाल मैंने ऐड कर ली, फिर दाल को चेक करते हैं। दाल मेरी बिल्कुल हो गई, दाल मेरी बन गई। अभी गार्निश के लिए मैं हरी मिर्ची, धनिया हो तो धनिया भी गार्निश के लिए डाल सकते हैं, और गरम मसाला, ये भुना हुआ कुटा हुआ जीरा और गरम मसाला। चने की दाल ढाबा स्टाइल मेरी बन गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।